पलों के निंजा के पास एक नया हथियार है, नाखून। तुम्हारा सलाद कुछ ही सेकंड्स में तैयार हो गया। नीली आंखों वाली लड़की जब भी डेस्क पर लिखती है तो सब उससे नफरत क्यों करते हैं? तो इस वजह से नहीं। नीली आंखों वाली लड़की के नाखून बहुत लंबे हैं। इसी वक्त नीचे बैठ जाओ, हमें चोट पहुंचाना बंद करो। सिंडी को छोटी नाखून रखना पसंद है, तभी वो हर रात उन्हें फाइल करती है। ये साफ और आरामदायक है। परेशानी सिर्फ ये है कि उसके नाखून बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और अगली सुबह वो फिर से पंजे बनने के लिए तैयार है। मुझे इनसे अभी पीछा छुड़ाना होगा। सिंडी ने बेरहमी के साथ अपने नाखूनों को जड़ तक काट दिया। एक भी फालतू मिलीमीटर बचना नहीं चाहिए। अब मेरे हाथ फिर से सुंदर और प्यारे दिख रहे हैं। मेरी साथी गहरे ख्यालों में है। अरे नहीं, फिर से वो आवाज नहीं। डेस्क पर वो नाखूनों की टैपिंग मेरा दिमाग खराब कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो मेरे दिमाग में टैपिंग कर रही है। रुको, मुझे ये आवाज हर जगह सुनाई देती है, मेरी नींदों में भी। क्या वहाँ कौन है? घर में सोफे पर, क्या वो मेरे पड़ोसी है? हे भगवान, मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। वो फिर से धीरे धीरे अपने नाखूनों से टैपिंग कर रही है। ज्यादा देर के लिए नहीं। क्या तुम्हारे सर में खुजली हो रही है? अपने दोस्त का हाथ उधार पर ले लो। ओह, इससे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद नीली आंखों वाली लड़की। लेकिन रुको, यहाँ और है। नीली आंखों वाली लड़की तो एक मल्टी फंक्शनल मसाजर निकली। अपने पंजों से मेरी पीठ खुजला दो, थोड़ा दाहिनी तरफ। आह, ये स्वर्ग है। मुझे लगता है मेरे दोस्त मेरा फायदा उठा रहे हैं। प्लीज मुझे थोड़ा सा और खुजला दो। तुम कितनी प्यारी हो। जब आपके नाखून लंबे होते हैं तो अपने पांच बंद करना बहुत मुश्किल होता है। चलो भी बटन, प्लीज बस थोड़ा सा और। मैंने कर दिखाया, लेकिन अब मुझे जिप बंद करनी है। नाखूनों मदद करो, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, जीत हुई, मैंने कर लिया। लेकिन अगली बार मैं सिर्फ एक ड्रेस ही पहनूंगी। ऑफिस के अंदर जाने के लिए आपको अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करना होता है। उप्स, ये काम नहीं कर रहा। लंबे नाखून होना प्रक्रिया को मुश्किल बना देता है। अरे कोई मुझे अंदर आने दो, मैं सिंडी हूँ, अगले दरवाजे वाले डिपार्टमेंट से। लेकिन सारे काम करने वाले डरे हुए हैं। अंदर आने की कोशिश कौन कर रहा है? एक राक्षस, मैं वो दरवाजा किसी हालत में नहीं खोलने वाली। अगर शेफ के लंबे नाखून होते तो शायद आपको अपनी सलाद में एक चौंका देने वाली सामग्री मिल जाए। मजे करो, ये सलाद बहुत ही स्वस्थ है। स्वादिष्ट। क्या ये नाखून है? घिनौना। ये अजीब है, उसे मेरा सलाद पसंद क्यों नहीं आया? मेरे नाखून ने जरूर उसकी भूख मिटा दी होगी। उप्स, मैं अपनी डेट पर जाने के लिए इतनी जल्दी में थी कि मैं अपना मेकअप ही करना भूल गई। उसे आने में देर हो रही है, मैं बस पाँच मिनट में अपना मेकअप कर लूंगी। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही लिप पेंसिल है। अपनी निचली आईलिड पर लकीर बनाने के लिए मैं लिप पेंसिल का इस्तेमाल करूंगी और विंग आईलाइनर बनाऊंगी। अच्छी बात है कि मेरे नाखून छोटे हैं। अब मैं अपना ब्लश करूंगी। मैं लिप पेंसिल को अपनी चीक बोन्स पर भी लगाऊंगी और अपनी उंगलियों के इस्तेमाल से उसे हल्का सा ब्लेंड करूंगी। फिर मैं अपने होठों को बनाऊंगी। हनी, ये तुम्हारे लिए है, तुम बहुत प्यारी दिख रही हो। लंबे नाखून होने की परेशानी है कि आप बगीचे की थोड़ी सी भी देख रेख नहीं कर सकते। अरे नहीं, फिर से मेरे नाखून के अंदर ढेर सारी गंदगी है। इसमें मैं फूलों का एक पूरा सेट लगा सकती हूँ। पाई की एक प्रतियोगिता, लड़कियाँ ये देखना चाहती है कि कौन सबसे सुंदर पाई बनाता है। बदकिस्मती से जब क्रस्ट को आकार देने की बात आती है तो छोटे नाखून होना बेहतर होता है। नीली आंखों वाली लड़की के लंबे नाखून पाई क्रस्ट में बड़े बड़े छेद कर रहे हैं, तो छोटे नाखून ये प्रतियोगिता जीतते हैं।
जब आपके लंबे नाखून होते हैं तो आपको नाजुक चीजों के साथ बहुत सावधानी से पेश आना होता है। अरे नहीं, मेरा प्यारा मैक्रॉन, मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया। एक नाखून ने सीधे दिल के अंदर जाकर घाव दे दिया, लेकिन मैं इसे फिर भी खाऊंगी, उंगली से खाने वाली चीज की तरह। जब आप अपने सलाद में ज्यादा नमक डालने से डर रहे हैं, बस अपने नाखून को मात्रा नापने वाले एक चम्मच की तरह इस्तेमाल करें। मुझे इतने ही नमक की जरूरत है। बिल्कुल सही। लंबे नाखूनों वाली लड़की जनता की सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। नीली आंखों वाली लड़की को एक और बुरा सपना आया, लेकिन जो सबसे ज्यादा सहन करता है वो उसका प्रेमी है। अरे नहीं, इस नीली आंखों वाली वॉल्वरीन ने मुझे अपनी नींद में फिर से छील दिया। मुझे एक लाइफ हैक चाहिए। मैं केबल टाई से सारी खोपने, कुरेदने, काटने वाली चीजें जोड़ दूंगा, उसके दूसरे हाथ पर भी। फ्यू, अब मैं शांति से सो सकता हूँ। मेरे नाखूनों के साथ क्या गलत हुआ है? हनी, जब आपके लंबे नाखून होते हैं तो कटलरी उठाना एक असली चुनौती है, और चॉपस्टिक के साथ खाना असल में नामुमकिन होता है। अच्छी खबर, जब आपको कोई देख ना रहा हो तो आप अपने नाखून चॉपस्टिक की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वादिष्ट। उप्स, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं भटकाऊंगी, माफ करना। बॉन एपेटिट। क्या आप अपने आरामदायक जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा, ताला फिर से जाम हो गया, और अब आपकी जीने की इच्छा बहुत कम बची है? शांत हो जाएं और हमारी यूनिवर्सल नाखून वाली चाबी मंगाएं। ये किसी भी ताले को खोल सकती है और आपसे कभी नहीं घूमेगी। मोटे टाइटेनियम कैल्साइट और स्टेनलेस नेल स्टील से बनी है। आराम छोटी से छोटी और बिल्ट इन वाईफाई के साथ किसी भी दरवाजे को खोले। ये हर जगह सभी हाथों के लिए दुख देने वाला नुकसान है। नाखून अभी भी बहुत जवान था, वो एक लंबी भरपूर जिंदगी जी सकता था, लेकिन अफसोस, कड़वी सच्चाई की कोठरी बहुत ज्यादा ताकतवर थी। अच्छी चीजें जवानी में क्यों मर जाती है? जैसे ही मैंने एक नाखून बढ़ाने का फैसला किया, वो मेरी अलमारी से मर गया। अरे नहीं, क्यों? अलविदा मेरे दोस्त, नाखून के कब्रिस्तान में शांति से आराम करो। तो हाल ही में तुम्हारे साथ क्या हुआ? हो, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, तुम्हें इस पर भरोसा भी नहीं होगा। सुनो तो, नीली आंखों वाली लड़की अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ अपने दोस्त को बता रही है और हाथ चला रही है। उसके बगल में खड़े होना बहुत खतरनाक होता जा रहा है। वाह, वो किसी की आँख को बाहर निकाल सकती है या किसी के गाल को काट सकती है। वो एडवर्ड सीजर हैंड्स की तरह है। बेहतर होगा कि मैं भाग जाऊँ। ओप्स, मेरा दोस्त कहाँ गया? हेलो, कोई है? मुझे खाना पकाने वाले शो बहुत पसंद है, वो मुझे हमेशा बढ़ावा देते हैं। नई विधियाँ और रसोई के लाइफ हैक्स, शायद मैं कुछ विधियाँ बनाकर देख सकती हूँ। अरे नहीं, उसके नाखून बहुत छोटे हैं, उसके लिए एक संतरा छीलना बेशक बहुत आसान होगा, और यहाँ तक कि बिल्कुल नहीं, एक कैन खोलना नामुमकिन। मैं ये ऐसे नाखूनों के साथ नहीं कर सकती। वैसे भी किसको वीडियो की जरूरत है, मैं बस खाना मंगा लूंगी। मैं सच में थोड़ा सोडा पीना चाहती हूँ। बस एक सवाल, मैं कैन को कैसे खोलूं? कुछ मदद की जरूरत है। धन्यवाद। लेकिन नीली आंखों वाली लड़की भी ये परेशानी नहीं सुलझा सकती, उसके नाखून बहुत बड़े हैं और अपना मैनिक्योर खराब किए बिना कैन नहीं खुल सकता। हमारे नाखून कितने नाजुक है, हमें क्या करना चाहिए? मेरे रास्ते से हटो लड़कियों, मेरा मर्दाना मैनिक्योर दिन बचा लेगा। ये लो पंजों वाली छोटी मिस।
क्या आपको हमारे नाखूनों वाली तरकीबें पसंद आई तो नीचे कमेंट करें कि आपके नाखून कितने लंबे हैं, राक्षस जितने लंबे या बच्चों की तरह छोटे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आप रूम रूम पर नई नई वीडियोस मिस ना करें।